महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है नवी मुंबई में। ये इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा खुलने के बाद 1160 हेक्टेयर में फैला हुआ IGI एयरपोर्ट के बाद 17,000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है और 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा हर साल 2032 से। कंपैरिजन के लिए अभी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली IGI साल में सिर्फ 6 करोड़ पैसेंजर्स ही हैंडल कर पाता है और मुंबई का प्रेजेंट CSMI एयरपोर्ट 4.4 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है और नवी मुंबई इससे डबल पैसेंजर्स हैंडल कर पाएगा। 3 फेजेस में बनेगा और पहला फेज 2024 में खुलने की उम्मीद है। 2 रनवेज होंगे 2 नए टर्मिनल्स के साथ जो कि अभी के प्रेजेंट CSMI एयरपोर्ट से कनेक्ट किए जाएंगे मेट्रो के थ्रू। तो अगर मुंबई में ऑलरेडी इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर उससे भी बड़ा नया एयरपोर्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या उसे एक्सपैंड नहीं किया जा सकता था? इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1928 में जब मुंबई का पहला एयरपोर्ट खुला, जुहू एयरोड्रोम। ये एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक एयरफील्ड के रूप में बना था बॉम्बे के वेस्टर्न सबर्ब में। ना सिर्फ मुंबई का, ये देश का पहला सिविल एविएशन एयरपोर्ट था। स्टार्टिंग में क्योंकि ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चलती थी तो इसको बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इस्तेमाल करता था टीचिंग और जॉय राइड्स के लिए। रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल इसका काफी इस्तेमाल करते थे लेकिन इनकी एक्टिविटीज लिमिटेड थी क्योंकि मानसून के टाइम एयरपोर्ट अनयूजेबल हो जाता था। कई सालों के लिए ये सिटी का प्राइमरी एयरपोर्ट रहा जिस दौरान इसके लेआउट में काफी अपग्रेड्स भी किए गए। JRD टाटा, जिनको इंडिया का फादर ऑफ सिविल एविएशन भी कहा आता है, तो उन्होंने अपनी पहली जर्नी जुहू एयरपोर्ट में पहली बार 15 अक्टूबर 1932 को की जिसमें उन्होंने इंडिया की पहली शेड्यूल्ड कमर्शियल मेल सर्विस स्टार्ट की कराची और अहमदाबाद से होते हुए। टाटा एयर मेल सर्विस जो इसका नाम था उसको आगे एक्सपैंड किया गया पुणे, बेलरी और मैड्रास तक। यहीं से एयर इंडिया का भी जन्म हुआ। 2 पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, एक पुश मॉथ और एक लेपर्ड मॉथ जुहू एयरोड्रोम के एक हट में बेस थे एक पायलट और 2 मैकेनिक्स के साथ। 2 बिटुमेन रनवेज, एक ईस्ट वेस्ट और एक नॉर्थ साउथ अलाइंड 1936 में बिछाए गए। तो ये भी मॉनसून में ऑपरेट नहीं कर सकते थे वाटर लॉगिंग की वजह से, इसलिए कुछ महीनों के लिए ऑपरेशंस को पूना शिफ्ट कर दिया जाता था। एक तीसरा रनवे भी प्लान किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए 1939 में, मगर वो कभी भी बना नहीं क्योंकि World War II शुरू हो गया था और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स यहां पर बेस्ड थे। मॉनसून में वाटर लॉगिंग और प्रॉपर रनवेज की कमी के कारण एयरपोर्ट ऑलमोस्ट अनयूजेबल बन जाता था, तो ये काफी बड़ा ड्रॉबैक था जुहू एयरोड्रोम का। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया जब बिटुमेन रनवेज को रिप्लेस किया गया कंक्रीट रनवेज से 1937 में और नाइट फ्लाइंग फैसिलिटीज और हैंगर्स भी प्रोवाइड करवाए गए अगले साल तक। इस टाइम पे एटलीस्ट 2 एयरलाइंस बेस थी जुहू में, एक एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी टाटा सन्स लिमिटेड। ये एयरपोर्ट सिटी का मेन एयरपोर्ट रहा कई सालों तक जब तक RAF सेंटा क्रूज नहीं खुल गया 2 किलोमीटर ईस्ट में जिसको अभी CSMI एयरपोर्ट से जानते हैं। 1948 में सारे कमर्शियल ऑपरेशंस को जुहू से सेंटा क्रूज में शिफ्ट कर दिया गया। ये एयरपोर्ट्स इतने पास थे कि कई पायलट्स कंफ्यूज हो जाते थे लैंड करते हुए, तो इसीलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया पायलट्स के लिए ताकि वो सेंटा क्रूज के रनवे 0927 और जुहू के 0826 के बीच में कंफ्यूज ना हो। सेंटा क्रूज खुलने के बाद जुहू एयरपोर्ट सिर्फ VIPs को केटर करने लगा। आज ये मोस्टली जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई के ऑलमोस्ट सारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जुहू से ऑपरेट किए जाते हैं, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मूवमेंट पर डे। क्योंकि ये इतने सालों से छोटे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसके रनवे को ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं किया गया, इसलिए जब मुंबई एयरपोर्ट में कंजेशन काफी ज्यादा बढ़ गई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2010 में जुहू के रनवे को 400 मीटर और एक्सटेंड करने का प्लान रखा जिसमें उसका मेन रनवे सी तक एक्सटेंड किया जाता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने उसको डिनाय कर दिया क्योंकि ये जुहू चौपाटी बीच और उसके आसपास के एरिया को काफी हार्म पहुंचाता। क्योंकि जुहू में एक्सपैंड करने की जगह नहीं थी, RAF सेंटा क्रूज को कंस्ट्रक्ट किया गया और उसका नाम उसके नेबरहुड के ऊपर रखा गया। वो एक बिगर एयरफील्ड थी जुहू एयरोड्रोम से और कई रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रंस World War II में उधर से ऑपरेट करते थे। इसमें पहले 3 रनवेज होते थे और 1500 एकड़ का एरिया कवर करता था। इसका जो मेन एप्रन था वो 0927 रनवे के सदर्न साइड पर था। 1946 में जब रॉयल एयरफोर्स ने सेंटा क्रूज को सिविल ऑपरेशंस के लिए हैंडओवर करना शुरू किया तो 2 अबैंडन एयरक्राफ्ट हैंगर्स RAF के उनको टर्मिनल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, एक डोमेस्टिक टर्मिनल और एक इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए। पहले साल में ये 6 एयरक्राफ्ट पर डे हैंडल करता था। इसके ट्रैफिक में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला इंडिपेंडेंस के बाद जब कराची पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया, तब कराची एक मेजर इंटरनेशनल हब रहता था एयर ट्रैवल के लिए जो कि इंडिपेंडेंस के बाद मुंबई बन गया। 1949 तक हर रोज 40 डोमेस्टिक और फॉरेन सर्विसेज ऑपरेट करने लगी इधर से, जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट को और डेवलप करना शुरू किया। नाइट लैंडिंग सिस्टम जिसमें मॉडर्न लाइटिंग और रेडियो रेंज थी वो भी उसी साल इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा एक नए टर्मिनल और एप्रन की कंस्ट्रक्शन 1950 में स्टार्ट हुई और 1958 तक वो बनकर तैयार था। अगले कुछ सालों में कैपेसिटी इंक्रीज करने के कई अपग्रेड्स हुए, मगर मेन दिक्कत कैपेसिटी में
1970s में बाहर आई जब जंबो जेट एरा स्टार्ट हुआ। इसको 600 पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो हैंडल कर रहा था 1200, उससे डबल। 1979-80 में 50 लाख पैसेंजर्स ने इसका इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली का पालम एयरपोर्ट 30 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था, जिससे सांता क्रूज देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। एयरलाइंस भी अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने में लगी थी, जिसके लिए ज्यादा जगह और टर्मिनल स्पेस चाहिए थी, जिससे एयरपोर्ट और कंजस्टेड होता चला गया। 1967 में टाटा कमेटी को सेटअप किया गया, जिन्होंने एयरपोर्ट के इश्यूज को स्टडी करके एक नया टर्मिनल बनाना रिकमेंड किया, ताकि ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। एक दशक लंबे चले डेलिब्रेशन के बाद एक नए इंटरनेशनल टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन फाइनली 1977 में स्टार्ट हुई, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी तब की 11 करोड़ रुपए, जो कि आज के 300 करोड़ रुपए के बराबर होगा। पहले फेज को बनाने में 3 साल लगे और फाइनली T2A खुला दिसंबर 1980 में। बनने के बाद इसकी कॉस्ट आई थी 18 करोड़ रुपए, यानी 470 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से। ये पहला टर्मिनल था पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ एयरो ब्रिजेस इस्तेमाल किए गए हों और मुंबई की ज्यादातर इंटरनेशनल सर्विसेज को इधर शिफ्ट कर दिया गया। अगले कुछ सालों में जेट इंजन में एडवांसमेंट्स और बड़े एयरक्राफ्ट के आने से सारे रनवेज को मॉडर्नाइज किया गया और एक्सटेंड भी किया गया, और टर्मिनल्स में भी अपग्रेड्स देखने को मिले। 1999 में एयरपोर्ट को 17th सेंचुरी मराठा रूलर के ऊपर नाम कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें महाराज बाद में ऐड किया गया। 2003 तक बॉम्बे और दिल्ली एयरपोर्ट्स देश की 38% फ्लाइट मूवमेंट्स को हैंडल कर रहे थे, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोटल रेवेन्यू का 33% इन दोनों से ही आता था। उस टाइम मुंबई एयरपोर्ट 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था, जिसमें से 60% डोमेस्टिक ट्रैवलर्स थे। धीरे धीरे फिर इसने भी कैपेसिटी रीच कर ली और कंजेशन देखने को मिली दोनों में, एयरक्राफ्ट मूवमेंट और पैसेंजर ट्रैफिक में। इसलिए मई 2004 में इसको और मॉडर्नाइज करने के लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और 2006 में AAI ने एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया, जिसमें GVK लेड कंसोर्शियम ने एक बिड जीती इसको मैनेज और ऑपरेट करने के लिए। इस कंसोर्शियम में एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट भी शामिल थे। इसको एकॉम्प्लिश करने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL को फॉर्म किया गया GVK लेड कंसोर्शियम द्वारा, जिसमें उनके पास 74% स्टेक था और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26%। तब से MIAL ने कई इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जैसे डोमेस्टिक टर्मिनल्स 1A और 1B और इंटरनेशनल टर्मिनल्स 2B और 2C को पूरी तरह से रिफर्बिश कर दिया गया है। एक ब्रांड न्यू डोमेस्टिक टर्मिनल 1C बनाया जो 2010 में खुला, T1B को 1C के साथ कनेक्ट किया और 1A को बाद में डिमोलिश कर दिया गया। जनवरी 2017 में 1B और 1C को पूरी तरह रीनेम कर दिया टर्मिनल 1 में, ताकि कंफ्यूजन ना हो पैसेंजर्स को। एक नया ATC टावर भी इनॉग्रेट हुआ 2013 में, 87.5 मीटर लंबा, जो कि इंडिया में सेकंड टॉलेस्ट ATC बन गया है दिल्ली के बाद। और फाइनली एक नया इंटरनेशनल टर्मिनल T2 इनॉग्रेट हुआ फरवरी 2014 में, जिसके बाद टर्मिनल्स 2B और 2C को डिमोलिश कर दिया गया। T2 का टोटल लैंड एरिया है 210,000 स्क्वायर मीटर, जिसको बनाने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए लगे। ये टर्मिनल एक एक्स शेप में बनाया गया है, जिसका टोटल फ्लोर एरिया है 4.5 लाख स्क्वायर मीटर, 4 फ्लोर्स में डिवाइडेड। एक नया टैक्सीवे भी बनाया गया और एप्रन एरियाज नई एयरक्राफ्ट पार्किंग के साथ, और दोनों रनवेज का पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया है, जिससे ये एयरपोर्ट 4 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाए साल में। अभी एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स हैं, T1 और T2, T1 डोमेस्टिक के लिए और T2 दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए। फरवरी 2021 में अडानी एंटरप्राइजेस ने MIAL से दोनों GVK और बिडवेस्ट के स्टेक को खरीद लिया, जिससे अब उनका कंट्रोलिंग स्टेक हो गया है MIAL में 74% का और बाकी 26% AAI के पास है। अभी ये एयरपोर्ट सहार एलिवेटेड रोड के थ्रू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टेड है, और फ्यूचर में मल्टीपल मेट्रो लाइंस भी बनाई जा रही हैं, जैसे मुंबई मेट्रो की लाइन 3 T1, T2 और सहार रोड 3 स्टेशन पे एयरपोर्ट को सर्व करेगी, जिससे कोलाबा से एयरपोर्ट का ट्रेवल टाइम कम होकर हो जाएगा 40 मिनट। इन तीनों स्टेशन को बनाने के लिए MIAL ने 777 करोड़ खर्च करने का वादा किया है, जिससे पैसेंजर कन्वीनियंस बढ़ेगा। मगर उन्होंने एक डील किया है MMRDA के साथ, जो मेट्रो लाइन बनवा रही है, कि ये लाइन 24 आवर्स ऑपरेट करेगी दिन में, ताकि लेट नाइट पैसेंजर्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। लाइन 3 के सारे स्टेशन पर चेक इन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा लाइन 7A जो एक्सटेंशन है रेड लाइन का, उसको भी T2 से कनेक्ट किया जाएगा एक अंडरग्राउंड स्टेशन की मदद से। इसके अलावा MMRDA एक नई लाइन प्लान कर रही है लाइन 8, जो CSMI स्टेशन से अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी जाएगी। एयरपोर्ट के पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो 2022-23 में CSMI एयरपोर्ट 4.3 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पा रहा था, जो कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो गया IGI के 6.5 करोड़ पैसेंजर्स के बाद। इसके अलावा ये एशिया का 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट और वर्ल्ड का 28th बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार्गो
एयरपोर्ट भी है 7.7 लाख टन के साथ। टोटल 2.9 लाख एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स देखने को मिली थी एक साल में, यानी 794 पर डे। 2023-24 में ये एयरपोर्ट ऑलरेडी प्री पेंडेमिक ट्रैफिक लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है और ग्रो कर रहा है 20% से। इधर से टॉप डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई है, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात करें तो दुबई, लंदन और अबू धाबी टॉप पर आते हैं। CSMIA का सबसे बिजी रूट जो है वो है दिल्ली मुंबई रूट, जो कि टोटल ट्रैफिक का 15% कंट्रीब्यूट करता है। करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से इस एयरपोर्ट को जल्दी से एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये कैपेसिटी पर रीच करने लगा है। वैसे तो इस एयरपोर्ट में दो रनवेज हैं, मगर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक टाइम पे एक ही रनवे यूज किया जा सकता है, जो कि इसे दुनिया के सबसे बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट में से एक बना देता है। कंपैरिजन के लिए दिल्ली में 4 में से 3 रनवे साइमल्टेनियसली यूज किए जा सकते हैं। अगर पूरे इंडिया की एविएशन मार्केट की बात करें तो ये 7% पर ईयर से ग्रो कर रही है, जिसके लिए कई नए एयरपोर्ट्स और टर्मिनल्स की जरूरत पड़ेगी देश भर में। इंडियन एयरलाइंस भी इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रही है। टाटा की एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने 400-500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं बोइंग और एयरबस से, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की है। इनकी डिलीवरीज इसी साल से शुरू हो जाएंगी। तो मुंबई में ना ही जुहू और ना ही CSMIA एयरपोर्ट एक्सपैंड किया जा सकता है। अगर हम दूसरी सिटी से कंपेयर करें तो बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद सबके एयरपोर्ट सिटी के आउटसाइड पर हैं, लेकिन मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स सिटी के बीच में पड़ते हैं, जिनके आसपास काफी अर्बन डेवलपमेंट मौजूद है, इसीलिए नया एयरपोर्ट बनाना जरूरी साबित हुआ। इस प्रोजेक्ट को पहली बार नवंबर 1997 में कंसीव किया गया था, जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमेटी बिठाई थी नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की साइट को लोकेट करने के लिए। इस कमेटी ने एक नई साइट मांडवा रेवस रीजन में रेकमेंड की थी जून 2000 में। तब जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट था वो सिंगल रनवे का होना था। सितंबर 2001 में सिडको ने इस ओरिजिनल प्रपोज को थोड़ा रिवाइज किया और एक नया एयरपोर्ट प्लान किया 2 पैरेलल रनवेज के साथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को फीजिबल पाया नवी मुंबई के इस उल्वे रीजन में, और ज्यादा दूर भी नहीं है सिटी से मांडवा की तरह। इसके अलावा यहाँ पर रिहैबिलिटेशन भी कम होगा, क्योंकि ज्यादा सेटलमेंट्स मौजूद नहीं है और 50% से ज्यादा लैंड पहले से ही सिडको के पास मौजूद था। कुछ और स्टडीज और टेस्ट के बाद इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिल गया यूनियन कैबिनेट से जुलाई 2007 में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको अप्रूवल दे दिया 2008 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको 2010 में अप्रूव किया एक एनवायरमेंटल स्टडी रिव्यू करके, जो मैंग्रोव्स के हटाने से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उस एरिया में। सिडको ने फाइनली टेंडर निकाले फरवरी 2014 में। कम बीडर्स होने की वजह से डेडलाइंस को दो बार एक्सटेंड किया गया और फाइनली फरवरी 2017 में जीवीके लेड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ये बिड जीत ली। जीवीके ने सिडको को 12.6% शेयर ऑफर किया अपने रेवेन्यू का। इसके बाद एयरपोर्ट को ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर डिंकर पाटिल के ऊपर रखा गया। इसका प्री डेवलपमेंट वर्क 2017 में शुरू हुआ, जिसमें उल्वे हिल को फ्लैटन करना था, चैनल को 60 मीटर तक चौड़ा करना था। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइंस को भी शिफ्ट करना था। 10 विलेजेस को रिलोकेट करना पड़ा, जिसमें 2700 से ज्यादा हाउसहोल्ड्स मौजूद थे। इसमें ज्यादातर फिशरमैन, फार्मर्स और दूसरे डे लेबरर्स मौजूद थे। इस एरिया की ज्योग्राफी अपने आप में चैलेंज थी, लो लाइंग कोस्टल लैंड होने के साथ इसमें 500 एकड़ के मैंग्रोव्स, 1000 एकड़ के मड फ्लैट और 250 एकड़ के फॉरेस्ट मौजूद थे। इसके अलावा कालुंदी और उल्वे रिवर बीच में से गुजरती थी। करनाल बर्ड सेंचुरी, थाने क्रीक वेटलैंड्स और पांजे वेटलैंड्स आसपास मौजूद होने की वजह से बर्ड को भी काफी थ्रेट था इसकी कंस्ट्रक्शन से। 2000 हेक्टेयर का लैंड चाहिए था कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें से 1400 हेक्टेयर सिडको के पास मौजूद था और 150 हेक्टेयर का स्टेट ओन लैंड था जो सिडको को दे दिया गया। उल्वे रिवर को डाइवर्ट किया गया एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर से, जिसके लिए एक चैनल बनाया गया 2019 में। साइट पर मौजूद उल्वे हिल को कट करके लेवल किया गया और पूरी एयरपोर्ट साइट को 5.5 मीटर से ऊंचा किया गया उसी हिल से निकले सॉयल और रॉक की मदद से। इसे एयरपोर्ट में फ्लडिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, मगर आसपास के विलेजेस और पनवेल में पहले से ज्यादा फ्लडिंग देखने को मिली। इसको NH 348 और 348A से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा नए बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से ट्रैवलर्स नए एयरपोर्ट में जल्दी पहुंच पाएंगे, स्पेशली साउथ मुंबई रीजन से। इसके अलावा नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से भी कनेक्ट किया जाएगा और मुंबई मेट्रो की लाइन 8 से भी कनेक्ट करने के प्लान से डायरेक्टली CSMIA एयरपोर्ट तक। इसके अलावा एक प्रपोज्ड मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर का स्टेशन भी इधर होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट पहले से 4 गुना बढ़कर अब हो गई है 16,700 करोड़ रुपए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इसको बनवा रही है। सितंबर 2019 में LNT को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 2021 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट खरीद लिया। लंदन बेस्ड ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया गया एयरपोर्ट T1 और ATC टावर डिजाइन करने के लिए। इसका पहला फेज 2025 में खुलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट में 17,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल एरिया होगा और 67,000 स्क्वायर मीटर का एप्रन एरिया। इसके अलावा 2 पैरेलल रनवेज होंगे,
3.7 किलोमीटर लेंथ के और 60 मीटर वाइड। इसमें तीन इंटरकनेक्टेड टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगी, जिसके पहले फेज के बाद ये 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा फर्स्ट ईयर में, और सारे फेजेस बनने के बाद 9 करोड़ पैसेंजर्स को। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डुओलिंगो ने। इस ऐप को इस्तेमाल करके इंडियन यूजर्स इंग्लिश आसानी से सीख पाएंगे हिंदी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके। ये ऐप अभी अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए। इस ऐप में नई लैंग्वेज सीखना एक गेम की तरह होता है, जिसमें लेवल्स और एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा इसमें हैबिट भी बिल्ड की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट लगते हैं हर रोज इसमें लैंग्वेज सीखने के लिए, और इसमें आपको रिमाइंडर्स भी सेंड किए जाते हैं हर रोज। कई स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज और ट्रैवल, तो वो भी मौजूद है इसमें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डुओलिंगो को डाउनलोड करें आज ही। अगर आप मेरे बनाए हुए मुंबई और बैंगलोर मैप्स के डिजिटल वर्जन्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।